और वहीं उत्तराखंड में मॉनसून को आए अभी हफ्ते भर का भी वक्त नहीं हुआ और अभी से बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बनने लगी है। उत्तराखंड में बारिश से हो रही परेशानी की 6 तस्वीरें अब आपको हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि उत्तराखंड में इस समय हालात किस तरीके के हैं। देहरादून में एक पेड़ टूटकर रोड पर जा गिरा, तो वहीं रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ जगहों से बारिश की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। बटकोट की तस्वीर, टिहरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ की तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए देहरादून और रुद्रप्रयाग की भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मानसून की दस्तक हो चुकी है, लेकिन हालात उसके बाद क्या है उसकी बानगी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो उत्तराखंड में मॉनसून की बारिश ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। बारिश की वजह से एक तरफ नदियां उफान पर हैं, तो वहीं पहाड़ भी दरक रहे हैं। और रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे कई जगहों पर बाधित है, जिससे कि चारधाम यात्री भी परेशान हैं। रुद्रप्रयाग नेशनल हाईवे पर हो रहे लैंडस्लाइड की दो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें आप मौजूदा हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं रुद्रप्रयाग बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। बारिश की वजह से एक तरफ एक स्कूल में मलबा आ गया, तो वहीं दूसरी ओर बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे मलबा आने की वजह से बंद। मानसून की बारिश रुद्रप्रयाग में मुसीबत बनकर बरस रही है। केदारनाथ हाईवे पर भटवाड़ी सैण में मलबा गिरा है, जिससे हाईवे बाधित है। बारिश से हालात अस्त व्यस्त है। ग्रामीण इलाकों में भी जनता परेशान है। बारिश का पानी और मलबा एक स्कूल के अंदर घुस गया, जिस वजह से स्कूल को बंद करना पड़ा। स्कूल में पूरा पानी भर चुका है, इसकी वजह से क्लासरूम तक भी पानी चले गया है। बच्चों को उतारने में जाने में बहुत दिक्कतें हो रही है मिशन में, और ये इसके लिए हम समझते हैं कि एनएच रिस्पॉन्सिबल है मिशन में। उनका ड्रेनिंग सिस्टम जो है सही नहीं लग रहा, सारा पानी पूरा गुलाबराई भरावर का पानी जाके स्कूल में आ रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सिरोपगढ़ तो केदारनाथ हाईवे भटवाड़ी सैण में बाधित है। दोनों हाईवे बंद होने से चारधाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को परेशानी हो रही है। तिलवाड़ा मयाली घनसाली मोटर मार्ग पर पेड़ टूटकर गिर गए, जिससे मार्ग बाधित। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। देखिए बड़कोट में भारी बारिश की वजह से मोरी के मुख्य बाजार में मलबा आने की खबर मिल रही है। सड़क और मलबे की बात करें तो पूरे पत्थरों का ढेर देखा जा रहा है, और बाजार में खड़े कई जो गाड़ियां हैं, वाहन हैं, वो भी मलबे में दबे हुए हैं, इस बात की भी खबर आ रही। तो मॉनसून के साथ पहाड़ों पर क्या स्थिति है, इसकी तस्वीरें आने लगी हैं। उत्तरकाशी में मॉनसून की बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया है। मूसलाधार बारिश के बाद पानी के साथ मलबा बहकर आ रहा है, जिससे लोग दहशत में हैं। ये मलबा गांव की तरफ आने वाले रास्तों पर जमा हो गया है, जिससे आवाजाही में समस्या हो रही है। उधर बड़कोट में आफत की बारिश कहर बनकर बरस रही है। तेज बारिश से भागीरथी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बारिश इस कदर हुई कि मोरी मुख्य बाजार में मलबा आ गया। इन तस्वीरों को देखिए, इस जेसीबी से मलबा साफ किया जा रहा है। मुख्य बाजार में जहां तहां मलबा और पत्थर बिखरे हुए हैं, कुछ वाहन भी मलबे में दब गए हैं। ये सभी पत्थर बारिश के पानी के साथ बहकर आए हैं। घरों के आसपास पानी इस कदर बह रहा है मानो कोई नदी बह रही हो। एबीपी गंगा के लिए बड़कोट से
नितिन चौहान के साथ उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।